नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। जिले में जमकर हो रही है स्टाम्प की कालाबाजारी। जी हां, जिले की तहसीलों में धड़ल्ले से स्टाम्प वेंडरों और जिम्मेदारों की सह पर चल रहा है कालाबाजारी का गंदा खेल। डुमरियागंज तहसील के स्टाम्प वेंडरों का स्टाम्प बेचते वीडियो हुआ वायरल। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की धज्जियां उड़ा रही तहसील प्रशासन के जिम्मेदारों के सामने सरकार की जीरो टॉलरेंस का जनाजा। 10 रुपए का स्टाम्प 100 रुपए में, 50 रुपए का 140 रुपए व 100 रुपए का स्टाम्प पेपर 500 से 700 रुपए में धड़ल्ले से डुमरियागंज तहसील में बेचा जा रहा है। जरूरतमंदों की जेब पर डाका डाल रहे स्टाम्प वेंडर व तहसील प्रशासन के जिम्मेदार। प्रशासन जानबूझकर बना मूक दर्शक। नहीं है दो चार ठो घर में रखा है। हां नम अच्छा नमवा से खारिज रही थी वैसे। नहीं नाम तो लिखना पड़ेगा। हेरियन गर्मी लागत तो ऐसे बता दीजिए कि 50 वाला जो है वो 140 रुपए का। अरे नहीं कुल हटावत हम कर ले सुंदर वन पता नहीं कौन थे कहां गांव खादर थे। हेलो हाँ ऐसा है 50 वाला स्टाम्प है तो 140 रुपया। भैया 50 का जो स्टाम्प है वो यहाँ जो है विक्रेता है वो कह रहे हैं कि 140 रुपये का मिलेगा, या ऑनलाइन आप निकालेंगे तो 80-90 रुपया पड़ जाएगा। शिकायत अभी संज्ञान में आई है और जब संज्ञान में आई है तो हमने अपर जिलाधिकारी महोदय को निर्देश भी दिए हैं कि स्टाम्प वेंडर्स को बुला के एक बैठक कर ली जाए और जो कड़े निर्देश हैं वो दे दिए जाएँ, और उसके उपरांत भी अगर ये शिकायत पुनः आती है तो उसके बाद जो भी व्यक्ति इन सब चीज़ों में संलिप्त रहेगा उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई।